हमारा दिन एक दिन नहीं है अंतरराष्ट्रीय, हमारा 365 दिन है। हम अगर ना चले तो शायद धरती उग जाए, हर परिवार उग जाए, हर घर उग जाए। हम वो शक्ति है जिससे ये चल रहा है, चाहे वो वंशवृद्धि हो, चाहे परिवार का प्रगति हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे जो भी हो। हमारा महिला वो शक्ति है जिसके बिना ये समाज अधूरा है। तो इसलिए महिला को सशक्त होना बहुत जरूरी है। तो महिला सशक्त तभी होगी जब हम महिला को प्रोत्साहित करेंगे। सरकार का काम हो रहा है, सरकार 33% आरक्षण दी कि आप अपने नौकरी में 33% आरक्षण लेके एक महिला तभी सशक्त होती है जब वो आर्थिक रूप से संपन्न होती है। कोई भी महिला अगर पति के आश्रित होती है, कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना, उसको आवश्यकता के अनुसार अपने पति पे ही आश्रित होना है। मैं ये कहूंगी सबसे पहले महिला को सशक्त होना और आर्थिक रूप से जरूरी। इसके के लिए हम सब बेटी हैं, तो ये प्रण करना होगा कि हम बेटी हर बेटी को बचाएंगे। किसी बेटी का भ्रूण हत्या नहीं होगा, किसी बेटी का भ्रूण में पहचान नहीं किया जाएगा कि वो बेटा है या बेटी। अगर हम ये करेंगे तो वो सब चाहते हैं ना कि पत्नी मिले, माँ मिले और बहन मिले, पर बेटी ना मिले। ये कैसे संभव है? ये संभव है नहीं। इसके के लिए बेटी को जन्म देना होगा, उसको अधिकार देना होगा बराबर का, ताकि उसमें भी ये भावना आता है कि हम सिर्फ, हमको तो बताया गया है कि तुमको सिर्फ चूल्हा चौका करना नहीं, तुमको ये माता पिता की जिम्मेवारी बता है कि वो बताए बेटी तुम मेरे बेटे के तब बराबर हो। तुमको हम वही शिक्षा दे रहे हैं, हम वही तुमको खाना पीना देंगे, हम घर का अंतिम खाना तुमको नहीं देंगे। हम उसी कटोरा में जो हम अपने बेटे के लिए परोसते हैं, रोटी साग सब्जी, रोटी में घी लगा हुआ, हर से ही न्यू से ही अपने बेटे को वो शिक्षा देना होगा जो आज बेटियों के साथ दुर्घटना हो रहा है। उसका शिक्षा हम माँ को ही देना होगा, अपने बेटे को करा रही है। दुर्गम से दुर्गम पर्वत पे चढ़ रहे हैं, अटलांटिका से कहीं भी कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है, परंतु अछूता होने के बावजूद भी महिला आज प्रताड़ित हो रही है। इसका कारण है कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। इसलिए हम सब प्रण करेंगे, हम बच्ची को अपना पढ़ाना है और इस अंतर्राष्ट्रीय को एक दिन का नहीं 365 दिन का बना के चलना है। और इसी समय हम क्योंकि एक बिजी है इसलिए हम आपके साथ ज्यादा ही समय बिता देते हैं और हम लोग हम चल रहे हैं। थैंक यू सभी।